यह है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप में वैसे तो पुस्तक रिसीव करने की कोई परेशानी नहीं आ रही है, लेकिन अक्सर कुछ शालाओं में इस तरह की एरर देखने को मिलती है कि पुस्तकें केवल स्कूल परिसर से प्राप्त की जा सकती हैं और नीचे लोकेशन लिखी होती है। अगर इस तरह की एरर आती है तो उसका क्या समाधान है, आज की वीडियो में हमने आपको ये बताने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर कर लीजिए। इस तरह से एक एरर हमारी मोबाइल स्क्रीन पर आती है जब हम बुक्स रिसीव करते हैं लोकेशन पर जाके। अब हम आपको बताते हैं कि इस एरर को हम कैसे दूर करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लें कि आपके मोबाइल में जो ऐप है वो नए वर्जन का हो। अगर पुराना ऐप है तो उसको पहले अनइंस्टॉल कर दीजिए और फिर उसके बाद दोबारा इंस्टॉल कर लीजिए। और ये भी देखना पड़ेगा कि ये ऐप का वर्जन 20 अगस्त के बाद का हो। इसके बाद आप इसको लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आपको ये देखना है कि आपके मोबाइल में इस ऐप में लोकेशन कौन सी आ रही है। इस तरह से ऐप के ऊपर एक राउंड बटन दिखेगा जहाँ पर आप एरो का निशान देख रहे हैं, उसको हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद जो स्क्रीन सामने आएगी उसमें आप देखेंगे यहाँ पर चौथे नंबर पर जहाँ पे हमारा एरो दिख रहा है, यहाँ पर अक्षांश और देशांत दोनों लिखे हुए हैं, यानी हमारे स्कूल की ये लोकेशन है। इस लोकेशन पर ही हम पुस्तक रिसीव कर सकते हैं, लेकिन जब हम स्कूल परिसर से करते हैं तब भी एरर आती है। अब इसका समाधान क्या है, हम आपको आगे ये भी बताने वाले हैं। एक और कंडीशन बन सकती है, वो इस तरह से होगी कि जब आप अपना ऐप खोलेंगे तो आपको स्कूल की लोकेशन यानी जो अक्षांश देशांतर आ रहे थे आपको वो नहीं दिखेंगे। और अगर ये लोकेशन नहीं दिख रही है, इसका मतलब आपका स्कूल किसी भी जियोटेक लोकेशन से मैप नहीं है, और इसके लिए आपको एम शिक्षा मित्र के माध्यम से रिक्वेस्ट करना होगी। एम शिक्षा मित्र के माध्यम से कैसे रिक्वेस्ट करेंगे, हम आगे जाके हम आपको ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर आपके मोबाइल में लोकेशन दिख रही है इस तरह से और इसके बाद भी आप पुस्तकें प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो इसका क्या समाधान है, चलिए करके देखते हैं। और हम अपना मोबाइल ऑन करते हैं और लाइव आपको दिखाते हैं। इस तरह से आप देखेंगे मोबाइल में ये दिख रहा है टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप। क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन अपने मोबाइल पर दिखेगी। नीचे वाला एरो से आगे चलते हैं। जिस तरह से हमने आपको बताया, कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर में जो राउंड सर्कल है हम उसको क्लिक करके देख सकते हैं कि इसमें लोकेशन दिख रही है या लोकेशन इसमें नहीं दिख रही है। सबसे पहले हमें यही काम करना है कि हम मोबाइल में ये चेक कर लें कि हमारे मोबाइल में लोकेशन दिख रही है या लोकेशन नहीं दिख रही है। क्लिक करते हैं इस बटन को और आप देखेंगे यहाँ पर नीचे तरफ लोकेशन आ रही है। इसका मतलब ये किसी लोकेशन पर ये स्कूल मैप है। अब इसके लिए हम क्या करें कि हम इस लोकेशन पर पहुंच जाएं, सही लोकेशन पर पहुंच जाएं। इसके लिए आप जो भी लोकेशन दिख रही है आप उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करेंगे तो ये आपको गूगल मैप पे ले जाएगा। इस तरह से छोटी सी प्रोसेस होगी और उसके बाद एग्जैक्ट लोकेशन हमें यहाँ से दिखने लगेगी। और इसके बाद स्टार्ट बटन है नीचे तरफ, आप देख पा रहे होंगे, इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जहाँ ये डॉट दिख रहा है यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, पर हमारा स्कूल है आप देख पा रहे होंगे वो यहाँ रेड लाइन से बना हुआ है। अब हमें करना क्या है, अगर ये लोकेशन आसपास की दिख रही है तो आप इस लोकेशन के सहारे मोबाइल लेकर आप आगे चलते जाएंगे। थोड़ा सा अंतर हो सकता है, स्कूल के बाहर लोकेशन दिख रही हो, स्कूल के साइड में लोकेशन दिख रही हो, स्कूल के पीछे तरफ लोकेशन आ रही हो, आप उस लोकेशन पर जाकर बुक्स को रिसीव कर सकते हैं। लेकिन अगर ये लोकेशन बहुत दूर दिख रही है, गांव के बाहर दिख रही है, खेतों में दिख रही है, या फिर एक ऐसी जगह पर दिख रही है जहां पर हम जा नहीं सकते, तालाब में, नदी में, कहीं भी दिख रही है, ऐसी स्थिति में बंद कर देंगे। अगर लोकेशन पास में दिख रही है, वहां पहुंच जाएंगे तो वहां से आप अपनी बुक को रिसीव कर सकते हैं। अब दोनों ही स्थिति में अगर आपकी लोकेशन पास में दिख रही है तो आप बुक्स रिसीव कर लीजिए। अगर आपको ये लोकेशन काफ़ी दूर दिख रही है या दुर्गम एरिया में दिख रही है या फिर ऐसी जगहों पर दिख रही है जहाँ पर आप नहीं जा सकते, तो इसको अपडेट कराने की आवश्यकता होगी, लोकेशन को सही कराने की आवश्यकता होगी। दूसरी स्थिति में अगर आपके मोबाइल ऐप में लोकेशन आ ही नहीं रही है तब भी आपको इस ऐप में लोकेशन को लाने की जरूरत होगी।
और इन दोनों कामों के लिए हम उपयोग करेंगे एम शिक्षा मित्र का। एम शिक्षा मित्र में हम कैसे लोकेशन अपडेट करेंगे, चलिए हम आपको वो भी बता देते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में एम शिक्षा मित्र डाउनलोड कर लीजिए, उसका अपडेटेड वर्जन डाउनलोड कर लीजिए और फिर हम उसको ओपन करते हैं कुछ इस तरह से। ये चलेंगे, यानी जो नीचे वाला राउंड सर्कल बटन है इसको क्लिक कर देंगे। आपको इसको लॉगिन करना पड़ेगा अपनी यूनिक आईडी पासवर्ड से जहाँ पर आप पदस्थ हैं। और इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, अधिकारी शिक्षक कर्मचारी हेतु सेवाएं। इस ऑप्शन पे आपको कार्य करना है और इसको स्क्रॉल करेंगे आगे तरफ और यहाँ पर आपको मिलेगा एक ऑप्शन शाला दर्पण का। ये वही शाला दर्पण है जिसपे हम अपने निरीक्षण फीड करते हैं, इसी पर स्कूल की लोकेशन भी अपडेट करनी है। क्लिक करते हैं शाला दर्पण आइकॉन पर। इस तरह से 8 तरह के आइकॉन हमें सामने दिख रहे हैं। सबसे पहले हमें इस ऐप के लिए मास्टर डेटा को डाउनलोड करना है, हम क्लिक कर लेते हैं। आप डेटाबेस का मास्टर डेटा डाउनलोड करने वाले हैं, क्या आप वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें यहाँ पे हाँ करना पड़ेगा और आप देखेंगे कुछ ही देर में डेटाबेस डाउनलोड हो जाएगा और ये मैसेज आ गया मास्टर डाउनलोड हो चुका है। अब इसके बाद हमें इसमें निरीक्षण करना है। इस स्कूल में जो ऑप्शन है निरीक्षण शुरू करें, हमें इसी ऑप्शन का इस्तेमाल करना है जो कि ये तीसरा ऑप्शन है, इसको क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले स्कूल का ड्रेस कोड पूछा जा रहा है, हम स्कूल का ड्रेस कोड भर देते हैं। जैसे स्कूल का ड्रेस कोड भरेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर स्कूल का नाम, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा और इसके बाद आपको नीचे वाले ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्या विद्यालय खुली मिली, इसमें आप सेलेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर जो एक ख़ास चीज़ होना है आपको हम वो बता देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है स्कूल के बैनर के साथ स्वयं का फ़ोटोग्राफ अपलोड करें। स्कूल के बैनर के साथ जहाँ पे स्कूल का नाम लिखा हुआ है उसके साथ सेल्फी लेना है। कैमरा पे हम क्लिक करेंगे, इस तरह से कैमरा ओपन हो जाएगा और हम यहाँ से फ़ोटोग्राफ्स ले लेंगे। फ़ोटोग्राफ्स लेने के बाद विद्यालय प्रमुख का यूनिक कोड पूछ रहा है, यानी जो भी वहाँ का प्रभारी है उसका यूनिक कोड क्या है। हम इसको यूनिक कोड की एंट्री भी कर देते हैं और उसका मोबाइल नंबर। इतनी जानकारी भरने के बाद अब पूछ रहा है कितने यहाँ पर नियमित शिक्षक हैं और कितने उपस्थित शिक्षक हैं। इस तरह से इसकी जानकारी भरने के बाद हम आगे के विंडोज़ पर जाएंगे। यहाँ पर वो आपसे पूछता है उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। आप देखेंगे ये स्कूल प्राथमिक शाला का है इसलिए इसमें कक्षा 1 से 5 आ रही है और हम पार्ट ए सुरक्षित करने वाले बटन को क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर विद्यालय का निरीक्षण सफलतापूर्वक कर दिया गया है, ओके बटन दबा देते हैं। इसके बाद आपको जाना है मेरी निरीक्षण रिपोर्ट, ये दूसरा ऑप्शन है इस तरह से, और आप देखेंगे यहाँ पर पार्ट बी आएगा, पार्ट बी क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर पार्ट बी लिखा हुआ है, लोकेशन का आइकॉन बना है और इसके बाद अपलोड का बटन बना है, हम यहाँ पर पार्ट बी क्लिक करेंगे। पार्ट बी में क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है, शाला की जियो लोकेशन को अद्यतित करें, क्लिक कर देते हैं शाला परिसर पर और नीचे जाके पार्ट बी सुरक्षित करें बटन को हम क्लिक कर देंगे और आप मैसेज प्राप्त कर लेंगे कि विद्यालय का निरीक्षण बी सफलतापूर्वक दर्ज कर दिया गया है। इसके पश्चात अब आपका पार्ट ए हो गया, पार्ट बी कम्प्लीट हो गया, आपको लास्ट वाला बटन उसको क्लिक करना है और इंस्पेक्शंस हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा और आपको उसको ओके कर देना है। ऐसा करने से आपके स्कूल की सही लोकेशन आपके मोबाइल ने एक्सेप्ट कर ली है और ये वरिष्ठ कार्यालय पे अप्रूवल के लिए पहुंच गई है। वहां पर जैसे ही इसका अप्रूवल होगा आपके स्कूल की लोकेशन सही हो जाएगी और लगभग इसमें 1 से 2 दिन का टाइम लगेगा और जैसे ही लोकेशन सही होगी तो आप पुस्तक की एंट्री आप अपने स्कूल से कर पाएंगे, उसके लिए आपको इधर उधर किसी दूसरी जगह पर जाना नहीं पड़ेगा। तो ये तो थी जानकारी लोकेशन के बारे में, किस तरह से लोकेशन अपडेट करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।